Hello guys, welcome to Techky Yasser YouTube channel. Now guys, finally, the most awaited smartphone Redmi Note 9 Pro 5G जो है इंडिया में लॉन्च होने वाला है और इसकी इंडिया लॉन्च डेट यहां पर कंफर्म हो चुकी है. नाम यहां पर अलग रहने वाला है और प्राइस पॉइंट इंडिया में क्या रहेगी, इंडिया में कब लॉन्च होगा, क्या कुछ स्पेसिफिकेशन आपको इंडिया वाले वेरिएंट में देखने को मिलेंगे, आज की इस वीडियो में मैं सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं. तो कर देना वीडियो को लाइक. वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 3000 लाइक्स का. आई होप कि आप कर दोगे. सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं यार, आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है. सुबह में हमने एक और एक वीडियो डाले थे Amazon के फैब फोन फेस्ट सेल जो स्टार्ट हुआ है, उसमें 50 से ज्यादा स्मार्टफोन डील्स के बारे में आप लोगों को ऑनेस्टी के साथ में बताया था, कौन से फोन लेना चाहिए, कौन से फोन बेकार है. तो वीडियो नहीं देखे और देखना है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हो. ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जोर से चेकआउट कर सकते हैं. अब बात कर लेते हैं यहाँ पर Redmi Note 9 Pro 5G इंडिया लॉन्च को लेके. तो यहाँ पर इसका नाम अलग रहने वाला है, ये मी ब्रांडिंग मतलब MI की जो ब्रांडिंग है उसके साथ आने वाला है, Redmi की ब्रांडिंग में नहीं आएगा. और ये डिवाइस का नाम रहने वाला है यहाँ पर Mi 10i. जी हाँ, कंफर्म हो चुका है. आपका Xiaomi के स्टोर पे जो है आपका इसका जो है लैंडिंग पेज वगैरह आ चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो. और क्लियरली ये हिंट करता है ये Redmi Note 9 Pro 5G का रीब्रांड जो रहने वाला है Mi 10i. इंडिया लॉन्च डेट की बात करें, कंफर्म हो चुका है 5 जनवरी को इंडिया में ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है. तो ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, 10 दिन का यहाँ पर टाइम रह चुका है. साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर ये फोन के इंडिया वाले वेरिएंट मतलब क्या कुछ रहेगा, स्पेक्स वगैरह क्या, तो स्पेक्स जो आपको चाइना में देखने को मिला था डिट्टो आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा, कुछ भी चेंज नहीं करा जाएगा. तो गाइस अगर हम स्पेक्स की बात करें तो यहां पर बिल और डिजाइन से स्टार्ट करते हैं. तो यहां पर आपको फ्रंट में और बैक में एक्चुअल ग्लास देखने को मिलता है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन के साथ में. दिखने में यहां पर ये फोन काफी जबरदस्त है. डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको 6.67 इंच का एक सेंटर पंच होल के साथ में FHD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है. 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का यहां पर पैनल दिया गया है और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन भी देखने को मिल जाती है. रैम रोम की अगर हम बात करें तो बेस वेरिएंट स्टार्ट होने वाला है 6128 से, हाइब्रिड स्लॉट यहां पर आपको देखने को मिलेगा. और अगर हम बात करें यहां पर स्टोरेज टाइप की तो यहां पर आपको UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगा और रैम टाइप यहां पर आपको अगेन LPDDR4X का देखने को मिलने वाला है. परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें जो कि फोन का हाइलाइटिंग फीचर है, यहां पर आपको स्नैपड्रैगन का 750G का चिपसेट मिलने वाला है जो कि एक 5G चिपसेट है, डुअल 5G को सपोर्ट करता है और अपग्रेडेशन है 720G 730G के कंपैरिजन में. तो डेफिनेटली जो परफॉर्मेंस है एज वेल एज 5G कनेक्टिविटी का आपको सपोर्ट मिलेगा जो कि एक काफी बढ़िया बात है. अगर हम बात करें यहां पर ये स्मार्टफोन के कैमरास के बारे में जो कि अगेन ये फोन का सबसे बड़ा हाइलाइटिंग फीचर है और ये आप बोल सकते हो चीपेस्ट स्मार्टफोन विद 108 मेगापिक्सल सेंसर के साथ में आएगा, क्योंकि यहां पर आपको क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है. जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको 108 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है. सैमसंग का सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है. साथ ही साथ यहां पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलता है. तो कैमरास ऑन पेपर काफी तगड़े लग रहे हैं और यही सेंसर की वजह से ये स्मार्टफोन धमाकेदार इंडिया में बिकेगा. अब बात कर लेते हैं यहां पर ये फोन के एंड्रॉइड वर्जन और यूआई के बारे में. तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 देखने को मिलेगा, MIUI 12 पे यहां पर ये रन करेगा. सेंसर्स की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, फेस अनलॉक का फीचर है, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट है और आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर का भी सपोर्ट देखने को मिलता है. बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको 4820mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिलती है, टाइप सी पोर्ट है और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा और बॉक्स में जो आपको फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा. सो गाइस ये कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा Xiaomi का Mi 10i में इंडिया में. और अगर हम बात करें भाई क्या प्राइस पॉइंट पे इसे इंडिया में लॉन्च करा जाएगा, तो हम चाइनीज प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें Redmi Note 9 Pro 5G की, तो जो बेस वेरिएंट है इंडियन प्राइस पॉइंट में अगर कन्वर्ट करके बताओ तो अराउंड 18,000 रुपये में कुछ लॉन्च हुआ था. और वैसे भी इंडिया में आता है तो थोड़ा प्राइस पॉइंट बढ़ जाता है. और एक चीज यहां पर मेरे को कंसर्न है कि ये Redmi की ब्रांडिंग में थोड़े चीप स्मार्टफोन आते हैं, MI या Mi की ब्रांडिंग अगर वो लोग लगा देते तो थोड़ा प्रीमियम साइड पे प्राइस पॉइंट रखते हैं. तो इंडिया में में क्या प्राइस पॉइंट पाएगा मुझे पता नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड प्राइस अराउंड 22,000 से 23,000 आपको देखने को मिलेगी. तो काफी बढ़िया स्मार्टफोन रहने वाले, क्योंकि 108 मेगापिक्सल का सेंसर तो मिल रहा है, साथ में 5G कनेक्टिविटी है, प्रोसेसर में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करा गया है. तो ओवरऑल अगर 22-23,000 रुपए में ये लॉन्च होता है इंडिया में, काफी तगड़ा यहां पर कॉम्पिटिटर रहने वाला है. और वैसे आपको बता दूं रियलमी X7 भी उसके आसपास की लॉन्च डेट में यहां पर लॉन्च होने वाला है. तो यहां पर ये दोनों स्मार्टफोन की क्लैश होने वाली है 20-25,000 रुपए की रेंज के स्मार्टफोन कैटेगरी में. तो
देखते आगे चल के यहां पर कौन सा कंपनी जो है सही प्राइस पॉइंट पे सही चीज हमें लाके देती है। वैसे दोनों ही स्मार्टफोन का जो अनबॉक्सिंग रिव्यूज वगैरह मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको यहां पर Mi 10i इंडिया में ये सारे स्पेक्स के साथ में आता है तो 22-23,000 रुपए में आता है तो क्या आप ये फोन को लेना पसंद करोगे या Realme X7 के साथ में जाना पसंद करोगे, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। आई होप तुम सबको ये पसंद आई होगी और अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।